चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर के नरसिंह कॉलोनी में निवासरत सुभाष खरे के पुत्र मयंक खरे के गुमशुदा होने का मामला गरमाता जा रहा है, जो 25 नौ 2019 की शाम करीब 5 बजे से लापता है। वह अपने घर से पैदल गया था, जिसके घर न आने पर उनके परिजनों द्वारा फोन लगाया। तब तो मयंक खरे ने परिजनों को बताया गया कि वह शहर के अस्पताल चौराहे पर है, जल्द ही घर आ जाएगा। लेकिन रात्रि 11 बजे तक घर न आने पर दोबारा कॉल लगाया गया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। मयंक को आज लापता हुए 9 दिन हो चुके हैं। मयंक के गुम होने की सूचना परिजनों द्वारा थाना कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। पुलिस अधीक्षक को भी एक ज्ञापन सौंपा गया था और आज कायस्थ समाज के लोगों द्वारा अपर कलेक्टर को भी एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मयंक खरे के गुम होने की बात कही गई है। मयंक खरे पिछले 9 दिनों से लापता बताया जा रहा है। ज्ञापन ले लिया गया, मामले की शीघ्रता के साथ जांच की जाएगी। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। कई समय से उनका एक बालक 8 दिन से गायब है और पुलिस उसकी जांच कर रही है। रोज हम आप लोगों के साथ पेपर में पढ़ रहे हैं, जांच तो चल रही है, लेकिन उनका कहना यह है कि अभी उसमें कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। इस स्थिति में मैं अपने तरफ से छात्र आ जाएंगे, मुझे बात करूंगा और एसपी साहब से बात कराऊंगा और वो उनकी खोजने की मुहिम एसपी साहब से निकले करूंगा, उनको तेज करें और जल्दी से जल्दी। एक जवान लड़का घर से गायब हो जाए और उसका 10 दिन तक पता ना लगे, किसी प्रकार का उसका गलत व्यवहार भी नहीं था, उसके बाद भी वो उसका पता ना लगे और पुलिस पता ना लगा पाए, ये एक चिंता का विषय है। और इसी वजह से पुलिस अधीक्षक जी को, कलेक्टर महोदय को आज ज्ञापन दिया कि उसकी जांच कराई जाए और जल्दी से जल्दी उसका परिणाम घोषित हो जांच का, इसके लिए हम लोग प्रयास। काफी समय हो गया है अभी तक पुलिस मेन पोस्ट तक नहीं पहुंच पाई है, क्या इसको लेकर आप ऊपर भी आंदोलन करेंगे आप लोग आगे चल के? हाँ, इसके लिए हम उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। ज्ञापन इसीलिए देना पड़ रहा है, एक दस्तून हो गया है, हमारे 20 साल से एक नौजवान को इस तरह से मिस कर देना बहुत बड़ी चूक है प्रशासन, हम ये मानते हैं, इसलिए हमने ज्ञापन दिया है कि हमें आगे और कोई माने ज्ञापन न देना पड़े और कोई और कार्रवाई ना करना पड़े, हमें प्रमाणजनक परिणामजनक जांच करें। देखा भी देखा गया है, पुलिस ने जैसे 10,000 का नाम भी घोषित किया है, आप लोगों को किसी पर डाउट है? नहीं, डाउट तो अगर होता तो हम सब लोग दौड़ धूप कर सकते थे और सक्षम हम लोग उसको एसपी की कार्रवाई करने की, पूरा समाज हमारा एक है, हम सब लोग एक हैं और हम पूरा शहर में हमको पहाड़ी के लिए हमारे साथ संवेदना प्रकट करनी चाहिए, इसलिए हम उसको कहीं और आंदोलन को किसी और दिशा में लौटने की जरूरत है। पुलिस प्रशासन मेरी काम करती है, हमें उसके भी कोई अतरा नहीं, परिणाम न निकलना हमारी चिंता का सबसे बड़ा कारण है, परिणाम निकले हमारी चिंता समाप्त हो, हमारा बच्चा हमारा घर आ जाए सुरक्षित, इस बात के लिए हम एक एक घंटा एक एक यूनिट इंतजार कर रहे हैं और मैं सोच रहे हैं एक दूसरे को झाड़स बना रहे हैं कि भैया शांति से बैठो, शांति से बैठो, पुलिस वगैरह प्रशासन लगा रहा है और जल्दी से जल्दी परिणाम और अपना बच्चा पढ़ मिलेगा, इस आशा के साथ हम लोग अपना। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाएं।